पता है भाभी खुशी कब होती है? जब माँ एक छोटा सा केक लाती और पूरा परिवार साथ में केक कटवाता, तब होती है दिल से खुशी। लेकिन नहीं, इनको तो बस दिखावा करना है, सब समझता हूँ मैं। पर वीर जी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आपको क्यों नहीं समझ रहा कि सूट पहनने बिना एकदम रिच लुक आता है। देख सिमरन, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तुझे मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना है तो कर, वरना रहने दे। हाँ वीर जी। एक मिनट। हाँ, ये बात है। Hi, Dad, बेटा, wish you a very, very happy birthday. Thank you, Dad. 22 साल का हो गया है आज तू। कितना फक्र होता है मुझे अपने दोनों बेटों पे। बस अब तू भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले और फिर दलजीत की तरह। सॉरी बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी डैड। चल, नीचे सारे वेट कर रहे हैं। एक काटना है, let's go. Okay. क्या देख रही हो भाभी? हाय, कितना सोना लग रहा है मेरा देवर, एकदम हैंडसम गबरू जवान। ये तो बस आपका प्यार है भाभी। पर एक चीज की कमी है। इसकी परफेक्ट। गुरविंदर, तेरा हो गया तो चले, और तू भी जा, जल्दी तैयार हो जा। हाँ वीर जी, आ जाइए देवर जी। ओके बाबू। दादू। अरे यूपी तो बेटा खुश रहो। जाने दो ना। रुको। दलजीत, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? भगाओ इन्हें। ओ नहीं पुत्र जी, ऐसे नहीं कहते। ओ ये तो शगुन वाली बात है। ये लो पैसे। ये लो रखो। हम अपने घर में किसी भी खुशी के मौके पर किन्नर को नहीं बुलाते। नेग तो अब हम उसी से लेंगे जिसका जन्मदिन है। विराट जा बता, जा। ये तो उन्हें और दफा करो इन्हें। अच्छी खासी पार्टी का माहौल खराब कर दिया। ये लीजिए। जियो, खुश रहो। भगवान करे तुम्हें बहुत प्यार करने वाली चांद सी बीवी मिले। खुश रहो और जल्दी से तेरी शादी हो, कि तेरी शादी में हम खूब नाचेंगे और गाएंगे भी मेरे राजा। कैसे मिल गए ना?
चलो निकलो यहां से। दलजीत ना पुत्र, ऐसे बात नहीं करते। अब माफ कर दीजिएगा, बच्चा है। और आप तो बस मेरे पोते को ऐसी दुआएं दो कि इसकी जिंदगी हमेशा खुश रहे। जी, हमेशा खुश रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। चल। चल भाई जवान, केक काटते हैं, हैं? जी सर। आ जा। बुलाओ जी, केक बुलाओ। शर्नु डैडी, आपको पता है वो लड़का है ना, इतना डेयरिंग है। मतलब अपनी मॉम को उन्हीं के सामने गलत कह दिया। मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, पर मुझे भी लगा कि प्रीता भी तो गलत है, तो मैंने भी बोल दिया कि प्रीतो तू भी गलत है। समझ गई हीर, सब समझ गई। ये सारा किस्सा ना तू पांचवी बार सुना रही है मैनू। पांचवी बार? हाँ तो क्या हो गया, मैं डिटेल में एक बार और नहीं बता सकती? बता सकती हूँ। अच्छा दादी, आप मुझे बताओ ना कि हमारी दोस्ती तो हो जाएगी ना? बिल्कुल होगी दोस्ती, क्यों नहीं होगी? इतनी प्यारी सी गुड़िया जो है मेरी, बिल्कुल होगी दोस्ती। चलो दादी, वैसे लड़का ना अच्छा है, अकड़ू है, सीरियस टाइप का है, कभी कभी खड़ूस हो जाता है। नहीं, एक्चुअली खड़ूस ही है, मगर दिल का अच्छा है तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा है। देख, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जिस लड़के के साथ दोस्ती करने के लिए तू इतनी बेकरार है, वो लड़का तो अच्छा ही होना है ना। आप ना बिल्कुल गलत समझ रहे हो, बेकरार और मैं, इतनी सीरियस कोई बात नहीं पहुंची है, मामला इतना सीरियस नहीं अभी। अच्छा, मैं सब जानती हूँ, ठीक है, लेकिन उस लड़के और वो इतना मुश्किल चक्कर खत्म कर लिया ना तूने, थक गई होगी। एक काम कर, मैं ना तेरे लिए बादाम का हलवा बना देती हूँ, दिमाग तेज होता है उससे। शानू दादी, आपको पता है प्रीतो मुझसे हमेशा कहती है कि हीर तुझे ना पढ़ लिख कर बढ़िया इंसान बनना है, बड़ा इंसान बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। बस मैं तो वही करना चाहती हूँ, बहुत पढ़ना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी लाडली इतनी सियानी हो गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सुन, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए खाना पीना भी जरूरी है, तभी तो दिमाग चलेगा ना। चल, अभी बहुत पढ़ाई करनी है इसलिए कुछ खा ले। बचपन से सुन रहा हूँ, I doubt किसी को समझ भी आ रहा होगा नीचे। ओ चल, छोड़ना इस बोरिंग पार्टी को, हम लोग अपनी पार्टी मनाते हैं, हैं? चल अभी। हाँ। इस घर में। हाँ। दादू, माँ को पता चला तो? ओए नहीं पता चलेगा, वो जब तक तेरी माँ अपने ये शो ऑफ वाले मेहमानों को सी ऑफ नहीं कर लेती ना, उसके ध्यान में कुछ और नहीं आने वाला है। हाँ चल, मेरे वाले गाने लगा दे। मैं? हाँ, और नहीं तो कौन? तेरा दादू है ना, टेक्नोलॉजी गुरु है, मुझे पता है कि तेरे फोन पे ना डीजे वाला ऐप है, मुझे सब पता है कि तू अपने जो अच्छे अच्छे गाने हैं ना सारे रीमिक्स करके उसमें स्टोर कर लेता है, अब बजा देना डीजे वाले बाबू। ओके दादू, ओनली फॉर यू। हेलो, हेलो, इज एनीवन देयर? हैं? ओए आज के जमाने में ब्लैंक कॉल, कमाल है। ओ विराट, तू एक काम कर, अगर ये कोई लड़की है ना तो इससे शादी कर ले।
वे जिसे आज के जमाने में ब्लैंक कॉल करने का सब्र है, वो लड़की प्यार निभाने के लिए कितना सब्र रखती होगी, जरा सोच। दादू कुछ भी। दादू हाँ, ये नीचे म्यूजिक कैसे चेंज हो गया? ओए, ये म्यूजिक नीचे से नहीं पीछे से आ रहा है। पीछे से? हाँ, घर में कोई तीसरी पार्टी चल रही है। वो नहीं हो ही नहीं सकता, चला देखते। चलिए दादू देखते। हाँ चल। मिस्टर रकड़ू, अरे गाना बंद भी हो गया? ये जरूर उस मिस स्यापा का काम है। ओए ओए, इतना बुरा नाम किस बेचारी को दे रहा है? वही दादू, कॉलेज वाली जो आजकल मेरी जिंदगी में कंट्रोवर्सी फैला रही है। और वैसे भी मुझे ये सब फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं पसंद, जा रहा हूँ उसको लौटाने ये मैं। ओए ओए यार सुन, बड़ा इम्पल्सिव है तू। ओए अभी जाने की क्या जरूरत है, कल जब कॉलेज जाएगा ना तो दे देना। वैसे एक बार देखना तो बनता है कि उसने गिफ्ट क्या दी है। क्यों देखना है? ओए यार जब तू लौटाने जाएगा तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या वापस कर रहे हैं। हाँ कुछ नहीं पता करना दादू। ओ यार अब रूठे बच्चे की तरह तू जिद ना कर, चल चुपचाप खोल दे। वैसे काफी भारी लग रहा है। ये आखिरी बार है मैं आपकी कोई विश पूरी कर रहा हूँ। ओके, ओनली फॉर यू आई एम गोना ओपन दिस। ओपन इट। डीजे प्लेयर दादू। एक बात बताइए, गिफ्ट देखकर वो विराट सिंह क्या करेगा? गुस्से में मुझ पर चिल्लाएगा या फिर एक स्माइल देखकर बोलेगा थैंक यू हीर? दादू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, डीजे प्लेयर गिफ्ट कर दिया उसने। वो एक काम करता हूँ, इसका ना वीडियो बना लेता हूँ, बार बार देखना अपने आप यकीन हो जाएगा। अगर गुस्सा किया ना मुझ पर तो मुंह नोच लूंगी उसका। हाँ नहीं तो, और अगर थैंक यू बोला तो मैं भी बोल दूंगी, क्या वेलकम विराट सिंह, ठीक है ना? यार दादू, मैंने तो सबके प्रेशर में आके उसकी दोस्ती का ऑफर एक्सेप्ट किया था, पर वो इतनी अच्छी दोस्त निकलेगी ये आज समझ आया। कल कॉलेज जाकर उसे थैंक यू कहूंगा दादू। कैसे जान लिया उसने कि मुझे यही चाहिए था? वैसे सच कहूं तो इतनी भी बुरी नहीं है वो। मैं क्या सोचता था उसके बारे में और वो क्या निकली। कौन सा पेन है अपने स्पेशल डे पे? हाँ ये वाला ठीक। नहीं ये देखकर तो उसे लगेगा सीधा बारात से यहीं टपकी है। ये पेन थे रेड। अरे नहीं ये तो मैं भूल ही गई, इसकी तो फिटिंग ही खराब है, ये वाला भी नहीं पहनूंगी। ये ठीक रहेगा। हाँ ही यही पहनना। हीर जल्दी आजा, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए।
वीजी इसका रोज रोज का हो रहा है। इतना टाइम लगाती है कॉलेज के लिए रेडी होने में, ये आधे घंटे पहले नहीं उठ सकती? पैम्पर्ड प्रिंसेस। पैम्पर्ड तो है और हमारी प्रिंसेस भी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको गलत फहमी है कि वो कहीं की प्रिंसेस है, राजकुमारी है। हीर सिंह किसी प्रिंसेस से कम थोड़ी है, रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगाएगी ना, आखिर मेरा स्पेशल डे जो है। हीर जल्दी आजा, लेट हो रहा है। आ गई रोहन वीर जी, दो मिनट। याद है गुलाबू, कैसे बचपन में तुम अपना परफ्यूम मुझ पर स्प्रे करती थी? तो आज ना तुम्हारी ये हीर भी बड़ी हो गई है, ये अपना परफ्यूम तुम पर स्प्रे करेगी, ताकि तुम जहाँ कहीं भी हो ना मुझसे छुप कर चली गई हो, वहां तुम्हें मेरी खुशबू आ जाए और तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आई मिस यू गुलाबू। तेरे दो मिनट हुए नहीं अभी, मैं ऊपर। प्रीतो आ रही हूँ नीचे, इस ढलती उम्र में अपने बूढ़े घुटनों के साथ मेहनत करके ऊपर मत आ, मैं आ रही हूँ। देखा गुलाबू, सब यहाँ कितना तंग करते हैं मुझे। राजकुमारी कॉलेज जाने के लिए तैयार है। देखा वीर जी, चलो अब जरा टाइम लगता है। क्या है, आ तो गई? हाँ तो इतना टाइम क्यों लगाती, चलो। हाँ बाय। बाय प्रीतो, बाय हरत सिंह। हाँ बाय, हो गया भाई। क्या है? अरग, घर में है क्या? ससरे, ससरे का पुत्र। नानू वो। वाह भाई गोली, क्या से आना हुआ? एक जरूरी बात करने आया हूँ। पुत्र एक मिनट। हरग, अच्छा हुआ हीर बिटिया यही है, कि सामने बातचीत हो जाए तो अच्छी बात होगी। आजा आजा आजा। हरक, हीर के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। एकदम उसके लायक। मेरी शादी।